अस्सलाम के नाज़रीन, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सलीम कैमरामैन बहुत दिन के साथ। तो जिस तरह हम बात करते हैं कला के बारे में, आर्ट के बारे में, तो आज हमारे साथ बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं, यंग आर्टिस्ट ऑफ कारगिल लद्दाख। बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का। और मैं ये भी कहूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी इन बच्चों ने, ये जो लड़कियों ने अभी, हाँ, जो आप देख सकते हैं कैमरा में दिखाने की कोशिश करेगा, द्रास ऑनलाइन का जो लागो है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, द्रास ऑनलाइन का लागो बनाया आपने। और साथ ही साथ जो हमारी एजेंसी है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर ट्रेल्स, ये एक हमारी ऐसी एजेंसी है जो हम टूरिस्ट को ऑपरेट करते हैं, टूर को ऑपरेट करते हैं। एक बार फिर आज से लद्दाख एजुकेशनल फेयर फेस्टिवल है, हर जगह जगह पे मनाया जा रहा है, तो इस बीच आप लोगों को ये मौका दिया कि अपना कला को दिखाने के लिए, तो बहुत सारे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हर जगह जगह। अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लगा, किस तरह का आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है। मेरा नाम नसरा है और मैं GDC कारगिल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। तो जो हमारा ये एग्जीबिशन लगा था, इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमारा फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा। हमने अलग अलग बाकी स्टॉल्स भी देखे तो काफ़ी मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम फौजिया जहरा है। तो मुझे पहले से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं घर पे बनाती थी ऐसे पेंसिल कलर से, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि पेंसिल कलर के अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं। तो मैं, मुझे जब इंटरेस्ट आया पेंटिंग में, तो मुझे पता चला कि एक ग्रुप है यहाँ आर्टिस्ट ऑफ कारगिल लद्दाख। तो मेरी फ्रेंड जो है उसके थ्रू मैंने ये जो ग्रुप है उस ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है पेंटिंग का, हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, तो उससे मेरा जो एक्सपीरियंस और जो मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग के लिए वो ज़्यादा बढ़ गया। जी, मेरा नाम है शहनाज परवीन और मैं, हमारे ग्रुप में जो आप रजिस्टर अगर करना चाहें तो हमारा एक फॉर्म आता है, वो आप फिलअप कर सकते हैं और एंट्री फीस है 500। तो आपको क्या करना होता है कि इसमें एक्टिव रहना होता है, मतलब हम हमेशा, मतलब डिग्निटरीज से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम आपको आना होता है हमारे यहाँ पे। हर हफ्ते हम किसी स्पोक पर्सन से मिलते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपोजर टूर्स होता है उनमें हम जाते हैं। अगर आपको मतलब आना है तो आप हमसे फॉर्म लेकर आप आ सकते हैं, लेकिन एक शर्त होता है कि आपको मतलब हमेशा वो होना चाहिए कि आप उसमें कंटिन्यूसली आ सकें और आप अच्छे से अपना डेडिकेशन दे सकें उस ग्रुप के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिदका बानो है और सबसे पहले मैं अपने ग्रुप के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये यंग आर्टिस्ट कारगिल टीम स्त्रिंगमो, जिसे हम कहते हैं स्त्रिंगमो मतलब ग्रुप ऑफ सिस्टर्स, ये 2019 में बॉब सर, सज्जाद हुसैन बॉब सर ने इस टीम को इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ मतलब इस टीम में सज्जाद सर ने ऐसे लड़कियों को मतलब चुना है जिनके पास कुछ ना कुछ हुनर हो अपना। और यहाँ मतलब हमें पहले तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वो को फेस करना पड़ा। अभी हमें पहला अपना मतलब, हम इससे पहले वो सब वर्कशॉप्स करते थे, हमने तकरीबन 30 गवर्नमेंट स्कूलों में अपना वर्कशॉप किया है फ्री में। और अभी हमें SP सर ने हमें ब्रेक थ्रू दिया है कि हम SSP सर ने हमें ब्रेक थ्रू दिया है कि हम स्कूलों में जाके, उनके स्कूल पे जाके वो बनाए मुरल पेंटिंग, लद्दाख पुलिस पब्लिक स्कूल पे मुरल पेंटिंग यानी वॉल पेंटिंग करे। जितने भी नाजरीन खास कर हमें द्रास ऑनलाइन के पेज से अभी देख रहे हैं, देखिए ये है टैलेंट, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लागो है, बिल्कुल रजिस्टर्ड लागो है हमारा द्रास ऑनलाइन का। देखिए ये बच्चों ने ऐसे लागोस बना रहे हैं, वो देख सकते हैं, ये जो आज यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, इन्होंने अपना इंटरेक्टिव सेशन विद डिग्नेटरीज या एडवेंचर सपोर्ट्स या जो भी इवेंट्स हो गए या फन, या आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत तरीके से इन बच्चे ये बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। एक खूबसूरत बात कही खासकर ये जो हमारी बच्ची है शनास ने, देखिए मेहनत करना है, कहते हैं ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जितना आप मेहनत करोगे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। एक बार फिर उनकी पूरी टीम है, जो सिस्टर्स उन्होंने जो रखा है अपना पूरा नाम खासकर हमारी पुर्की लैंग्वेज में, और खासकर जो टीचर इंचार्ज हैं सजाद, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आखिरी क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, खासकर आप लोग ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस वगैरह कर रहे हैं, कितना एक्सपोजर मिलता है? हमारा सबके लिए मैसेज ये रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत करें, जो आपका टैलेंट है अपने टैलेंट को दिखाएं, छुप के ना रहें, किसी से भी ना डरें,
जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको कुछ कामयाबी हासिल नहीं होगी। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप पेंटिंग ठीक से नहीं बना पाते तो हमारी टीम में आइए, और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, तो आप मेहनत कीजिए और हमारे ग्रुप में अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, और हमें ऑनलाइन क्लासेस भी मिलते हैं, कलर्स भी मिलते हैं, तो आपको मज़ा आएगा और आप अपने जो डर है उसे बाहर निकल पाओगे और अपने जो पेंटिंग में इंटरेस्ट है उसे आप निखार सकते हो और ज़्यादा। जी, हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा रहेगी कि हमें और प्रोजेक्ट्स दें ताकि हम एक्सपीरियंस गेन कर सकें, हम मुराल पेंटिंग्स बना सके वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स में। हमने अभी सिर्फ 50 स्कूल्स तक ही कवर किया है। हम चाहते हैं कि दूर दराज के जो विलेज एरियाज हैं, मतलब फार फ्लंग विलेजेस, उनमें भी करना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि आप दीवार पर देखकर ये जो कार्टून्स हैं और ये जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो सीखें, और हम ऐसा और प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, यही इल्तिजा कि वो हमें और प्रोजेक्ट्स दें। जी, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि हमारी पूरी टीम ने लगभग यहाँ पर सब यहाँ के ही पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल के ही पढ़ने वाले और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब ने कोई भी आर्ट कॉलेज नहीं देखा है बाहर के, तो हम गुजारिश करते हैं कि मतलब हमें भी किसी आर्ट कॉलेज में ले जाए और वहाँ के और वहाँ के कॉलेजेस में और यहाँ में कैसे सिखाते हैं और हम कैसे आर्ट करते हैं, उन सब में हम थोड़ा सा डिफरेंस होते ही ऑब्वियसली उनको हम देखना चाहते हैं कि वो सब कैसे करते हैं और हम कैसे कर रहे हैं और हम इन सब में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उन सब देखकर वो सब हम देखना चाहते हैं। तो हमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि हमें भी मतलब एक एजुकेशनल टूर टाइप का कुछ बाहर के आर्ट कॉलेजेस में करवाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थे नाज़रीन, ये लड़कियां जो कह रही है कि खासकर यूटी गवर्नमेंट से भी एक गुजारिश कर रही है कि एक एजुकेशनल टूर हो जाए या आर्ट का एक टूर हो जाए, बाहर का इंटरेक्टिव से, या बाहर से जो आर्ट से रिलेटेड है उन बच्चों को, उन लड़कों को यहाँ पे ला के इनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन बनाए, उनके साथ एक आर्ट डिज़ाइनिंग कोर्स या वगैरह वर्कशॉप चलाए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो है आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स